जो प्रतिदिन रसोई बनाकर 500 आदमियों में 1000 आदमियों में जाते हैं तो मैंने देखा वहाँ लोगों की भीड़ हो जाती है और फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो प्रभावित होती है। और मान लो 15 दिन तक किसी स्वैच्छिक संस्था ने काम किया तो 30 बार जाना पड़ता है। इसमें एक बार में सूखी सामग्री उनको दे दी, वो घरों पे अपना स्वयं का खाना पकाकर खाएंगे, उनको भी आनंद आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू में ही ये कहा था कि हम राजस्थान में किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देंगे। इसी कड़ी में हमने अपने विधायक कोटे से माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष में जो राशि दी थी उस राशि को उन्होंने अनटाइड फंड में वापस जिले को भेज दिया और उसी राशि से ये कुत्ते बनकर के आम आदमी के पास गई है। और मैं समझता हूं कि इससे दाढ़ी मजदूर या रोजमर्रा का काम करने वाले जो मजदूरों को लाभ मिलेगा और वे भूखे नहीं सोएंगे। लगभग देखिए राजस्थान में एक राजकोप सिटीजन नाम से ऐप बना हुआ है। इस ऐप में कोई भी व्यक्ति जो यहां से कोलकाता जाना चाहता है या कोलकाता से यहां आना चाहता है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। यदि 1200 आदमी या इससे अधिक आदमी हो जाते हैं तो उसके लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की जा सकती है और बहुत अर्जेंसी है तो वो अपने साधन से भी आ जा सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके का कार्मिक है। ये सारा ऐप जो है उसके अनुसार काम करता है, सारा डिजिटल सिस्टम है। व्यापारियों को इस चीज को समझना चाहिए कि व्यापारियों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा है, टैक्स जो है वो आम उपभोक्ता को देना पड़ता है और वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। पहले आप ये देखते थे कि मंडी टैक्स जो है लगा है, बढ़ा हुआ टैक्स किसानों के हित में काम आएगा, किसान हमारा अन्नदाता है। किसान कल्याण कोष 1000 करोड़ का बनाया गया है, इसमें ओलावृष्टि फसल बीमा और उनके सारे एक तरीके से हितों का ध्यान रखते हुए बनाया गया। आज किसान सुरक्षित रहेगा, किसान संरक्षित रहेगा, किसान मजबूत होगा तो मंडियां मजबूत होगी, उत्पादन मजबूत रहेगा। इसलिए किसानों व्यापारियों को इस चीज को समझते हुए और वर्तमान स्थिति में जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए किसानों के हित में इस आंदोलन को वापस। हम कोरोना की बात करें थोड़े समय में देखिए विश्व की भारत की और प्रदेश की स्थिति का आंकलन करें तो यहाँ पर ठीक होने वालों की संख्या का प्रतिशत अच्छा है, मृत्यु दर कम है और कोरोना के ठीक होने वाले मरीज भी अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर के जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कोरोना का विस्तार होना चाहिए वो नहीं हुआ है, उसको रोका गया है और इसमें पूरी टीम स्पिरिट से पूरे देश के लोग काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर उस दिन और मेहनत करेंगे तो कोरोना जो है उससे भारत और देश मुक्त। कला साहब सतीश।